बुधवार को शहर में एक 77 वर्षीय वृद्ध महिला की ओर से पत्र परिषद का आयोजन किया गया, जिस दौरान उनके साथ नीलेश ओमकार नामक व्यक्ति ने 35 लाख की धोखाधड़ी की है, ऐसी जानकारी उन्होंने दी। साथ ही इस वक्त उन्होंने बताया कि आरोपी ने उनकी दुर्बलता का फायदा उठाया है। बुधवार को फिरियादी सरस्वती बेंगले ने पत्र परिषद ली, जिस दौरान नीलेश ओमकार इन्होंने निखिल खड़तकर और दिलीप अग्रवाल प्रमोटर एंड डेवलपर्स संदेश इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जामठा बर्ता रोड इस जगह संदेश सिटी स्टील एक में सातवें माले पर फ्लैट नंबर 1713 19,50,000 में चेक के जरिए दी और 4,45,000 बाकी बचे पैसे ऐसे कुल 19,94,500 रुपए नीलेश ओमकार के जरिए दिए और इस फ्लैट को फरियादी के नाम पर ना खरीदते हुए नीलेश ने फरियादी से 1,39,700 रुपए रजिस्ट्री फी के तौर पर ली, जिसके बाद फिरियादी को समझ में आया कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। इस संबंध में खुद फिरियादी ने अधिक जानकारी साझा की। साथ ही इस वक्त उन्होंने नीलेश ओमकार पर 35 लाख की धोखाधड़ी के आरोप भी लगाए। मी सरस्वती भगवंत बेंगळे 200 घोरपडे पेट राहण्याचे ठिकाण आणि नोकरी केली रेंजिल प्रायमरी स्कूल खडकी पुणे। घरापासूनच त्याने माझी फसवणूक केली। हा नीलेश धर्मपाल ओंकार माझे जे गॅस होते आता तिथे त्याने जमा केले आणि ते केवढे आले किती पैसे त्याला मिळाले, कारण 30 वर्षापूर्वीचे तर एवढंही म्हणाले की हे जुने गॅस आहेत दोन्ही भरलेले सिलेंडर, त्याने ते जमा केले त्याचे पैसे किती मिळाले हे सांगितलं नाही। आणि माझे जे खात्यातले कॅनरा बँक महाराष्ट्र बँक आणि पोस्टातून ही तिन्ही खात्यातली पैसे तर घेतलेच घेतले आणि माझ्याजवळ उसने त्याच्या बायकोकडे 12,000 दिले। इस दौरान फिरियादी का कहना था कि नीलेश ने उनकी दुर्बलता का फायदा उठाया है। इस संबंध में फिरियादी ने हिंगना पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।